किसे गुज रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं कह दूं कि 5% स्लंप नहीं है। विकास दर क्या है वो शायद वो कहना चाहते होंगे, और मैं इनसे जानना भी चाहता हूं कौन से आरबीआई के गवर्नर ने कहा है। प्रश्न संख्या 6, श्री गौरव गोगोई जी, माननीय सदस्य अपनी सीट पर जाकर प्रश्न पूछे। श्री गौरव गोगोई जी, माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 7, श्री एन के प्रेमचंदन जी, माननीय मंत्री जी, स्टेटमेंट position to ask supplementary question because the house is not in order. Dr. Farooq Abdullah, the learned senior member of the house, is not present in the house. Sir, I am not able to ask. आप मानने से बचे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे। Quite unfortunate that we are not able to ask. डॉक्टर सोगत राय जी, आप पूछना चाहते हैं supplementary? जी मंत्री जी जो जवाब दिए हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। आज IMF ने बोला इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट को 6.1% मूवी से डाउनग्रेड कर दिया। हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इट इज एट -1.1%। I want to ask the honorable minister कि ये जो slowdown है इसके लिए क्या demonetization का जो सिद्धांत था 2016 नवंबर का वो responsible है, इसीलिए इकोनॉमी में रुपया का शॉर्टेज है, इसके बारे में क्या कर रहे हैं? सरकार को जब ये सवाल उठाया जाता वो कश्मीर बोल देता है, राम मंदिर बोल देता है, कोई जवाब नहीं देता क्यों इकोनॉमिक स्लोडाउन इतना खराब है। माननीय मंत्री जी, ये माननीय मंत्री दादा का थोड़ा जवाब दे दें। मुझे लगा था कि काले धन के खिलाफ जो कड़ा प्रहार आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी वो करने की क्षमता भी किसी में थी और साहस था तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में था, हमने वो करके दिखाया है और उसको देश ने कहा। देश के ईमानदार व्यक्ति ने टैक्स अदा करके देश के विकास में अपनी बड़ा योगदान किया है। इसमें तृणमूल कांग्रेस या माननीय सदस्य ये शायद सहमत ना हो, लेकिन मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो टैक्स पेयर अदा करने वाले जो टैक्स पेयर थे उनकी संख्या लगभग दुगनी हुई है डीमोनेटाइजेशन के बाद हुई, और देश की जो रेवेन्यू कलेक्शन थी डायरेक्ट टैक्सेस की वो भी लगभग दुगनी हुई, तो उसके कारण ही हुई है। ये देश के विकास में एक बहुत बड़ा कदम था जो लंबे समय तक इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के बहुत बड़ा निर्णय सिद्ध होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है जो सरकार ने कदम उठाए जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी, हम 142वें स्थान से बढ़कर आज 63वें स्थान पर आए हैं। ये लगातार रिफॉर्म जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है ये उसके कारण सर हो पाया है। दुनिया मंदी के साथ गुजर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जहां अमेरिका 29% का फ्री लेता है, चाइना 6.1% का, भारत 6.8% का, इस साल भारत को अभी भी दुनिया भर ने कहा कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत होगा। हमारे कदम भी उस दिशा में उठाए गए कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो, 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करके 15% किया गया ताकि $5 ट्रिलियन की
लाख आर्मी बने तो भारत 2025 तक बनेगा, ये हमारा संकल्प और हम कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन सूचनाएं प्राप्त हुई है, अगर हाउस ऑर्डर में आएगा तो निश्चित रूप से मैं आपको शून्यकाल में मौका दूंगा। स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। सदन सभा पर पटल रखे जाने का पत्र श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर काइंड परमिशन आई राइट।